गुड मॉर्निंग। अरे बापरे, हनी भी आ गई भाई। वो हनी भी आ गई, देखो। ओ माय गॉड। नहीं भाई, नहीं, कुछ नहीं किया मैंने, कुछ नहीं किया भाई, मैंने कुछ नहीं किया मैंने। हनी भी आ गई यार कमरे में। अब मैं फटाक से खिड़की खोल दूंगा। ये तो गुड मॉर्निंग के चक्कर में गुड नाइट हो गया मेरा। प्लीज कुछ मत करो, प्लीज ऐसा कुछ मत करो कि मुझे ऐसा कुछ हो जाए। नहीं नहीं नहीं, सॉरी भाई, सॉरी। अरे फिर अंदर आ गया। जाना यार, प्लीज बाहर चल जा, प्लीज। भगवान के लिए तेरे से रिक्वेस्ट है, अरे नहीं, 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 नहीं। प्लीज बाहर चली जा, प्लीज। अरे हनी जी इधर जाइए ना। अबे गरीब, बाहर जाना, तू क्या पूछ टांग के इधर बैठी है। चली गई भाई। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू व्लॉग डे 39। What a start, man! What a start! एक ही थी कि और भाई बहन भी आ रही है इसकी। मैं खिड़की खोला ही क्यों यार? पानी देने जा रहा था पौधों को। ऐसे कोई करता है क्या? ऐसे ना धीरे-धीरे क्या पानी डालूँगा। खिड़की बंद ही रखता हूँ भाई, सारा खिड़की बंद कर देता हूँ, हॉल का भी बंद कर देता हूँ भैया। सब बंद कर दो भाई, सब बंद कर दो। एकदम रिस्क नहीं लेने का भाई, रिस्क एकदम नहीं चाहिए हमको रिस्क। सारा खिड़की बंद हो आज, सब बंद हो भाई, सब बंद हो। क्या बोल रहे हो? वो बाद में लगाने का है ना, तो आंधी लगाने का, बाद में हल्दी डालने का, पूरा बॉडी लगाने का। आंटी बोल रही है कि ये तरबूज दही और इसमें हल्दी डालूं, बट मैं इसको सोच रहा हूँ बाल में लगाऊंगा तो ज्यादा अच्छा होगा ना, तो बाल में लगाऊंगा तो हल्दी डालना जरूरी है क्या? वाह, कितना अच्छा टेक्सचर है। आंटी के लिए बना है पनीर भुर्जी, इसके बाद हम खाएंगे पराठा और यहाँ हमारा बन रहा है चाय। लंचवा में है छोले, तो चलो अब चलते हैं मुंह पे और गले में और थोड़ा बहुत बॉडी में लगाते हैं वाटरमेलन, और थोड़ा बाल में भी लगाते हैं। वाटरमेलन और कर्ड का मिक्सचर है, मैं उसमें थोड़ा सा नींबू भी निचोड़ देता हूँ। लेट्स टेक अ बिट ऑफ, अरे अरे, चीज केक। ओ, आधा नींबू है यहाँ पे, इसी को निचोड़ देते हैं। अब मैं आ गया अपने रूम में, और जहाँ एला को रखता हूँ ना, वहाँ पे लाके इस मिक्सचर को प्लेस किया हूँ, क्योंकि यहाँ पे लाइटिंग अच्छी है। तो अब हमें इस मिक्सचर को, मजाक कर रहा हूँ, लगाना है मुंह में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खुशबू तो बहुत ऐसे दिल को ठंडक दे दे रहा है टाइप्स। ये खुलना पड़ जाएगा। तो आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आज की ब्यूटी कॉन्टेस्ट में। ओ, बहुत ठंडा भाई, बहुत ठंडा। मांग भर दिया रे भाया। आंख बंद कर लेना और फील करना ठंडक। बच्चा पढ़ाई करे तो माँ बाप के दिल को ठंडक मिलती, वाटरमेलन बाल में लगाओ तो आपके मन को ठंडक मिलती। मतलब बाहर का तो पता नहीं, इंडिया का ऐसा सीन है कि अगर आपको कोई काम करवाना था बचपन में तो किताब खोल के एक घंटा एक्टिंग कर लो पढ़ने का, वहीं से शायद एक्टिंग का कीड़ा आया मेरे अंदर। ये बाबा, ये वाह, अरे वाह, शॉक लगा 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 शॉक लगा लगा, इट इज मॉडर्न हेयर स्टाइल। ओके चलो अब हम चलते हैं शारीरिक
पोताई के लिए। तो बाल में तो हम लगा लिए हैं, अब हम जा रहे हैं नहाने। नहाने से पहले हम बाथरूम में जाके इसकी शारीरिक पोताई करेंगे। ये सो नहा वहा के आ गए हैं हम बाहर, मोहक टाइप का हेयर स्टाइल भी बना लिए हैं और स्किन हमारी कर रही है ग्लो। ऐसा नहीं कि इंस्टेंट आपको ग्लो मिल जाएगा, लेकिन ना आप तुरंत एक सॉफ्टनेस महसूस करने लगेंगे। तो यही बात है कि हमारा स्किन हो गया है सॉफ्ट, आ गया इसमें चमक और फील कर रहे हैं हम काफी फ्रेश। यार मेरे ये गुलाब तो कितने प्यारे लग रहे हैं यार, है ना, नेक्स्ट लेवल एकदम। ऐसे देख लो कितने अच्छे बागीचा जैसे खिल चुके हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 कम से कम 15 से 20 गुलाब हैं। और फिर हमारे ये सफेदी तुझे सलाम, और यहाँ पर भी अच्छे खासे ये लाल छोटे छोटे फूल खिल रहे हैं। और हमारा ये तरबूज जी तो भैया आज आसमान पार कर देगा, इसका हम इंतज़ार कर रहे हैं कि ये बड़ा जल्दी खिल जाए तो अच्छा हो जाए। बर्ड फटाफट खिड़की कर दो बंद, क्योंकि सुबह ही हुआ है इंसिडेंट, याद है ना। तो उस छोटे से पॉजिटिव प्लांट का इतना बड़ा रूप देख के बहुत खुशी होता है मेरे को कि कहाँ वो एकदम मरा हुआ हो गया था और वहां से अब यहाँ पे एक बर्ड तक खिल चुका है। तो आई एम वेटिंग कि उसमें फूल खिले, और जैसे ही फूल खिलेगा मैं आप लोगों को दिखा पाऊंगा कि कितना सुंदर फूल खिलता है उसमें। मतलब ये सारे प्लांट में सबसे बेस्ट फूल खिलता है उस पौधे में। यस, सेकेंड बेस्ट मैं इस गुलाब को दूंगा, लेकिन फर्स्ट बेस्ट यार तुम उसको देख लोगे ना, तुम लोग बोलोगे अरे वाह वाटरमेलन, थोड़ा सा ब्रोकली और कैप्सिकम। अपने को ये देखना है कि ब्रोकली खाती कि नहीं, बट सबसे पहले तो ये वाटरमेलन पे ही टूटेगी। अरे गुतू वेरी एक्साइटेड टू ईट, देखते हैं सबसे पहले क्या खाती है। ओके सो फर्स्ट चॉइस इज वाटरमेलन। मतलब इतना मजे से ये वाटरमेलन खाती है ना, इसको देख के मन करता है कि मैं भी थोड़ा सा वाटरमेलन खा लूं जाके। वैसे समर में अच्छा है, अब देखते हैं कि अगला क्या अटैक होता है। लेट्स सी। अच्छा कैप्सिकम, ब्रोकली क्यों नहीं खा रही है ये, अपने हाथ से खिला के देखते हैं ब्रोकली खाती है कि नहीं। ले आला, थोड़ा सा ब्रोकली खा के दिखा। अरे खा रही है ब्रोकली, अरे वाह, नया आइटम मिल गया एला के लिए। ये तो नया डिस्कवरी हो गया कि एला अब ब्रोकली भी खाने लगी है। तो अब एला खाती है कैप्सिकम, ब्रोकली, बीटरूट, कैबेज, कैरेट, धनिया और भी ऐसी लीफी ईफी। उस दिन पता चला था कि तोरू भी खाती है कच्चा। अब एला ब्रोकली भी खाया करेगी, हेल्दी लड़की है बहुत, है हेल्दी। तो शाम के 6:40 हो रहे हैं और ये चुटकी जी आई हैं। पराठा लेने आई है जो मैं नीचे गिराया था। ये देखो अपनी इवनिंग टी इज रेडी, चाय लेके बैठा चाय। तो बड़े दिन हो गए मैंने आप लोगों को स्नेल जी से नहीं मिलवाया। ये देखो ये अर्थ वॉर्म है, इसको मैंने अभी अभी मट्टी से निकाल के इस डंडी के ऊपर रख दिया। अरे 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 एलियन से कम नहीं होते। देखो 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 कैसे सेंस कर रहे अपने आसपास। देखो चाय पीते पीते सिर्फ टीवी नहीं देखना चाहिए, आसपास की प्रकृति में भी बहुत मजा है। आप लोग अगर ध्यान से सुनोगे ना तो बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के बर्ड्स की आवाज आ रही है। देखो तो गाइस आज मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं नीचे नहीं जाऊँ, आज मैं शायद थोड़ी देर के लिए छत में जाऊंगा। तो अपना तो चाय नाश्ता हो गया है, नाश्ता तो नहीं हुआ, चाय पीना हो गया। अब अपन
चेंज ऑफ प्लान कर ली है, अब हम सोच रहे हैं अच्छा कपड़ा पहन के नीचे सिर्फ टहल के आ जाएंगे क्या? I'm back. तो जैसा मैंने कहा था कि मैं छत में जा रहा हूँ या मैं नीचे जा रहा हूँ, तो इन दी एंड मैं छत में भी गया, मैं नीचे भी गया, वॉक किया, थोड़ा सा रनिंग भी कर लिया और अब मैं ऊपर आ गया हूँ। थक भी गया हूँ, लग नहीं रहा होगा लेकिन थक जरूर गया हूँ। अब मुझे सोचना है कि मैं डिनर में क्या खाऊं, क्योंकि मुझे हर दिन कुछ डाइट वाला चीज खाना रहता है। तो आज शायद मैं ब्रेड ऑमलेट खाऊंगा, तो जाता हूँ मैं ब्रेड, फटाफट ब्रेड ऑमलेट बनाता हूँ और एला जी को भी कुछ देता हूँ। एला जी बढ़िया सो रही है अभी, तो उसको भी दे दूंगा कुछ। तो मिलता है कल एक नए व्लॉग के साथ, पता नहीं क्या होगा कल, लेट्स होप कुछ इंटरेस्टिंग हो जाए और मेरे व्लॉग में वो जगह बना ले। आज तो काफी इंटरेस्टिंग दिन था ही, तो मिलते हैं अब कल। बाय बाय।